अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का हलवा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये बेसन, ये देखें हाफ प्याली है। इसको मैंने एक पतीली में अच्छे से इस तरह से इसको डाल दिया है। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ सूजी, ये एक कप है। ये देखें ये भी इस तरह से मैंने एक पतीली में डाल दिया है, दोनों को साथ मिक्स करके। इसके बाद मैं ऑयल डालूँगी, ये मैंने लिया है ऑयल, यह है 4 चम्मचे। ये इस तरह से ये मैं इसको डालूंगी और इसमें हम भूनेंगे। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी चीज़ आपके घर में आसानी से हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं डालूंगी इलायची, ये इलायची 2 से 3 अदद है, इसको मैंने कूट लिया है। इस तरह से इसकी जो खुशबू होती है, इसका फ्लेवर होता है हमारे हलवे में, बहुत बेहतरीन आता है। ठीक है, अब हम इसको करना है ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना बस इनफ है। अब हम करेंगे कि एक प्याली में हम इसको निकाल लेते हैं। चलो ये अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको ये देखें एक इस तरह से एक प्याली में मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं डालूँगी इसमें पानी, ये 1 ग्लास के करीब ये पानी है, क्योंकि हमें हलवा सा बनाना है एकदम ज़बरदस्त सा, तो बस हमने 1 ही ग्लास पानी लेना है। इसके बाद मैंने ली है ये 1/2 कप चीनी है, क्योंकि हम मीठा बिल्कुल सही रखेंगे। जब मीठा बिल्कुल सही होगा तो ही हमारा हलवा बेहतरीन बनकर रेडी होगा। तो ये मैंने 1/2 कप चीनी ले ली है। इस तरह से इसको शीरा बनाना है। इसमें जो बाकी हमारा ऑयल था या घी था वो हमें ऐड कर देना है, ताकि अच्छे से ये इसमें बॉयल आ जाए, जोश आ जाए। अब जब इसमें बॉयल आ जाए तो ये मैंने सारी जो सूजी और जो बेसन का मिक्सचर है ब्राउन हुआ हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको हिलाऊंगी, ये देखें कितने अच्छे से ये हिलाते हुए ही ये बिल्कुल ही पक जाएगा, क्योंकि आपने देखा था मैंने सूजी को और बेसन को कितने अच्छे से ब्राउन किया हुआ था। आपने ही बेसन और सूजी को बहुत अच्छे से ब्राउन करना है ताकि इसमें कोई कच्ची स्मेल ना आए। इसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, मैंने डाली है किशमिश, इस तरह से आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं पिसा हुआ खोपरा ऐड करूँगी और इसके बाद मैं करूँगी थोड़े से बादाम जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। आप कोई भी जो आपके पास आसानी से हो वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ये इसके बगैर भी बहुत ही लजीज बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको इस तरह से इसको निकाल कर, ये देखिए अब मैं इस पर डेकोरेशन कर रही हूँ। अब मैंने पिसा हुआ खोपरा डाला है, अब जो भी मेरे पास है मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, किशमिश है, ये बादाम है, इस तरह से ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है ये मैंने ऐड कर दिए हैं। आपने देखा मैंने कितने आसानी से, कितना ज़बरदस्त, सिर्फ 5 मिनट में इतना लजीज सा ये हलवा रेडी कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।